मुझे देखो, मेरा संबंध ईश्वर के साथ ऐसा है कि अगर तुमने मेरे साथ धोखा किया तो समझ लो कि तुमने ईश्वर को धोखा दिया, और अगर तुमने मुझसे झूठ बोला तो मतलब तुमने ईश्वर से झूठ बोला। मैं जब ईश्वर के सामने अपने पापों को रखता हूँ तो वह तुम्हारे पापों की तरह छोटे मोटे नहीं होते, बल्कि उन्हें माफ किए जाने का हक है। ये शब्द है उस इंसान के जिसने अपनी जादुई ताकत से पूरे के पूरे रूस को अपना गुलाम बना लिया था। इस शख्स ने रूस की महारानी से लेकर शाही खानदान तक की एक भी औरत ना छोड़ी जिसके साथ उसने शारीरिक संबंध ना बनाया हो। अगर दुनिया में शैतान की पूजा करने वालों और उसका प्रचार करने वालों की एक लिस्ट बनाई जाए तो इस शख्स का नाम शुरू के कुछ नामों में जरूर लिखा जाएगा। अपनी शैतानी ताकतों की मदद से ये इंसान लोगों के मानसिक और शारीरिक बीमारियां तक ठीक कर लेता था। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मिस्टीरियस नाइट्स इंडिया, और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पिछले 1000 सालों में दुनिया के सबसे बड़े और खतरनाक जादूगर रास्पुटीन के बारे में। कहा जाता है कि इतिहास में दुनिया में जादुई ताकतों से इंसानी दिमाग को अपने वश में करने वालों में रास्पुटीन से बड़ा कोई जादूगर नहीं है। रास्पुटीन का पूरा नाम ग्रिगोरी येफिमोविच रास्पुटीन था। रास्पुटीन का जन्म 21 जनवरी 1869 को साइबेरिया के एक छोटे से गांव पोक्रोस्की में हुआ था। रास्पुटीन का बाप एक किसान था और कभी कभी लोगों का सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए टांगे चलाने का काम करता था। रास्पुटीन की माँ का नाम एन्ना पोर्शकोवा था और वह एक हाउसवाइफ थी। रास्पुटीन अपने माँ बाप का 8वां बच्चा था और उससे पहले जन्मे 7 बच्चे बचपन ही में गुजर गए। कहा जाता है कि रास्पुटीन बचपन से ही एक अलग प्रकार का बच्चा था। बचपन से ही उसमें कुछ जादुई शक्तियां मौजूद थी जिनकी मदद से वह जानवरों से बातें करता और उनकी बातें समझ लिया करता था। घोड़ों से उसे खास दिलचस्पी थी। एक बार उसके गांव में एक घोड़ा चोरी हो गया, जिसके बाद रास्पुटीन ने जानवरों से कुछ बातें की और सीधा उसी चोर के घर जा पहुंचा और चोरी किया हुआ घोड़ा वापस बरामद कर लिया। इस हादसे के बाद रास्पुटीन पूरे इलाके में मशहूर हो गया। रास्पुटीन के माँ बाप काफी धार्मिक थे, इसलिए वे अक्सर उसे चर्च ले जाया करते थे। चर्च में जाने से रास्पुटीन को ईसाइयत का पता चला और बाद में इसी धर्म को उसने अपना हथियार बना लिया। जैसे जैसे रास्पुटीन बड़ा हुआ तो उसने शराब, चोरी चकारी और आवारागर्दी करनी शुरू कर दी, और अगर रास्ते में कोई लड़की दिख जाती तो वह उसकी इज्जत से खिलवाड़ करता। इन आदतों के कारण उसके माँ बाप को हर रोज जलील होना पड़ता था। उन्होंने रास्पुटीन को काफी समझाया मगर वह नहीं माना। ना ही उसने कोई शिक्षा प्राप्त की और ना ही रोजी रोटी कमाने के लिए कोई हुनर सीखा। चोरी चकारी के पैसों से ही वह अपना गुजारा करता था। इसलिए एक दिन उसके माँ बाप ने जबरदस्ती उसे अपने साथ टांगा चलाने के काम में लगा लिया। इन सभी बुरी आदतों के बावजूद रास्पुटीन एक बड़ा आध्यात्मिक गुरु भी बनना चाहता था। आध्यात्मिकता में कोई पद हासिल करने के लिए अक्सर वह दूर दराज के सफर में निकल जाता। साल 1886 में ऐसे ही एक सफर के दौरान वह अबालक नाम के एक कस्बे में ठहरा। वहां पर उसकी मुलाकात पोर्शकोविया डेब्रोविना नामक महिला से हुई। उन दोनों में इतने अच्छे ताल्लुकात बने और फरवरी 1887 में रास्पुटीन ने डेब्रोविना से शादी कर ली। इन दोनों के कुल 7 बच्चे हुए, जिनमें से केवल 3 ही बालिग उम्र तक पहुंच सके और बाकी बचपन में ही गुजर गए। डेब्रोविना एक वफादार पत्नी थी जिसने रास्पुटीन की मौत तक उसके साथ वफादारी निभाई, लेकिन रास्पुटीन अपनी पत्नी के मुकाबले पर उतना ही गिरा हुआ शख्स था। शादी के बाद भी ना तो उसने शराब छोड़ी और ना ही महिलाओं के साथ
नाजायज संबंध बनाना, बल्कि मैं अपनी पत्नी की मौजूदगी में ही बाहर की लड़कियां अपने घर ले आता और उनके साथ शारीरिक संबंध बनाता था। गांव की सभी औरतों के साथ रास्पुटिन शारीरिक संबंध बना चुका था। इतिहासकारों का कहना है कि जिस तरह रास्पुटिन औरतों के लिए पागल था, तो वहीं रूस की महिलाएं भी उसकी दीवानी थी। इस दीवानगी का सबसे बड़ा कारण रास्पुटिन की मर्दानगी थी। रास्पुटिन केवल काली विद्या का ही माहिर नहीं था, बल्कि वह औरतों को बिस्तर पर खुश करने का तरीका भी अच्छे से जानता था। महिलाओं को वह इस कदर अपने वश में कर लेता था कि एक बार जो औरत उसके साथ शारीरिक संबंध बनाती थी, वह उसके लिए जान तक देने को कुर्बान हो जाती थी। साल 1897 में 28 साल की उम्र में रास्पुटिन ने अपना घर बार बीवी बच्चे सब छोड़ दिए और आध्यात्मिकता और ईसाइयत में ऊंचा पद प्राप्त करने के लिए एक लंबी यात्रा पर निकल पड़ा। रास्पुटिन कई अलग अलग चर्चों में रहा। कई पादरियों से उसने ईसाइयत सीखी। सेंट निकोलस मोनास्ट्री में रास्पुटिन ने कई महीने गुजारे। वहां पर मकारे नाम के एक पादरी ने रास्पुटिन को ईसाइयत सिखाई। पढ़ना लिखना रास्पुटिन ने यहीं पर सीखा, लेकिन अचानक ही रास्पुटिन ने ये मोनास्ट्री छोड़ दी। वहां रहने वाले कुछ पादरियों पर उसने ये आरोप लगाया कि वह लोग होमोसेक्सुअल हैं। वह लोग अपने भक्तों को कहते हैं कि होमोसेक्सुअलिटी एक बड़ा पाप है, जबकि वह लोग खुद ये काम चोरी छुपे किया करते हैं। इसके बाद रास्पुटिन इस मोनास्ट्री को छोड़कर साइबेरिया के जंगलों की तरफ निकल पड़ा, जहां पर वह एक लंबे अरसे तक अकेला रहा। और ये अपने आप में एक बेहद चौंका देने वाली बात है, क्योंकि साइबेरिया के जंगल दुनिया के बेहद खतरनाक जंगलों में से एक हैं। क्योंकि एक तो ये बेहद ठंडे इलाके में है, और दूसरा ये कि वहाँ वैशी और खतरनाक जानवर एक बड़ी तादाद में रहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इन्हीं जंगलों में रास्पुटिन ने किसी इंसान या किसी और जीव से काली विद्या सीखी। इतिहासकारों के मुताबिक यही वो काली विद्या थी जिसकी बदौलत रास्पुटिन साइबेरिया के खौफनाक जंगलों में एक लंबे समय तक जिंदा रह सका। साइबेरिया की जंगलों में एक लंबा समय गुजारने के बाद रास्पुटिन अपने गांव वापस आ गया, लेकिन अब वह बिल्कुल बदल चुका था। वो पहले वाला रास्पुटिन नहीं रहा। उसके स्वभाव में एक बहुत बड़ा बदलाव आ गया, जिसे गांव के लोगों ने तुरंत महसूस कर लिया। और अब दोस्तों, यहां से रास्पुटिन की शोहरत का और उसके काले कारनामों का असल सफर शुरू होता है। अपने गांव में वापस आने के बाद रास्पुटिन ने शराब छोड़ दी। उसने मांस खाना भी छोड़ दिया और केवल सब्जियां ही खाता था। उसने गांव में अपना प्रचार शुरू कर दिया। गांव के चर्च के पादरी और कुछ लोग इसके खिलाफ थे, लेकिन इसके बावजूद लोग रास्पुटिन के भक्त बनते गए। इसी के चलते रास्पुटिन खलिस्ती नाम के एक खुफिया समुदाय में शामिल हो गया। इस समुदाय के लोगों का मानना था कि इंसान पाप करके ही ईश्वर के करीब हो सकता है। इस समुदाय के लोग किसी खास दिन एक जगह पर इकट्ठे होते और फिर खूब शराब पीते और फिर नशे में धुत होकर शरेआम जानवरों की तरह एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाते। वहीं रास्पुटिन के मानने वालों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। रास्पुटिन अपनी काली विद्या की मदद से अपने मानने वालों को अपने वश में कर लेता था, और जो शख्स एक बार उसके कब्जे में आ जाता, उसका छुटकारा पाना लगभग नामुमकिन हो जाता। 1902 से 1904 तक रास्पुटिन की शोहरत पूरे साइबेरिया और उसके आसपास के इलाकों में फैल चुकी थी। इसी समय में रास्पुटिन ने काजान नामी शहर का दौरा किया। इसकी शोहरत पहले से ही इस शहर में पहुंच चुकी थी। काजान के आम लोगों के लिए रास्पुटिन किसी फरिश्ते से कम नहीं था। अपने इस दौर में उसने कई लोगों की शारीरिक और मानसिक बीमारियों का इलाज किया। उसके इन चमत्कारों को देखकर केवल आम जनता ही नहीं, बल्कि बड़े से बड़े ईसाई पादरी और शाही खानदान के लोग भी रास्पुटिन के भक्त बन गए। इन्हीं पादरियों में एक नाम फोफिन का था। फोफिन सेंट पीटर्सबर्ग में एक बड़े और अहम चर्च का पादरी था। फोफिन रास्पुटिन से इस कदर प्रभावित था कि उसने उससे सेंट पीटर्सबर्ग आने की तुरंत दावत दी और रास्पुटिन का
अपने घर पर ही रहने का इंतजाम किया। साल 1905 की सर्दियों में रेस्पुटिन ने सेंट पीटर्सबर्ग का रुख किया। उन दिनों फोफिन का रूस और शाही खानदान पर काफी प्रभाव था, जिसके चलते रेस्पुटिन को सेंट पीटर्सबर्ग में मशहूर होने में ज्यादा समय नहीं लगा। फोफिन रेस्पुटिन की शाही खानदान और अफसरों के सामने इतनी तारीफ करता कि लोग उससे मिलने के लिए तुरंत संदेश भेज दिया करते थे। अब क्योंकि रेस्पुटिन काली विद्या में माहिर था, इसलिए जो भी शख्स उससे मिलता वह पहली ही मुलाकात में उसके वश में आ जाता था। धीरे धीरे शाही खानदान और अफसरों की एक बड़ी तादाद एक तरह से रेस्पुटिन के नौकर बन गए और रेस्पुटिन रूस का एक बेहद ताकतवर इंसान के रूप में जाना जाने लगा। उस समय रूस पर जार निकोलस और उसकी पत्नी महारानी अलेक्जेंड्रा का राज था। निकोलस और अलेक्जेंड्रा का एक बेटा था जिसका नाम एलेक्सी था, जिसे हीमोफीलिया नामक बीमारी थी। निकोलस और अलेक्जेंड्रा को हर समय यही चिंता सताती रहती थी कि अगर उसके बेटे को कुछ हो गया तो उसका अगला वारिस कौन बनेगा। वहीं अलेक्जेंड्रा काली विद्या पर काफी विश्वास करती थी, जिसके चलते किसी ने उसे एलेक्सी की बीमारी के इलाज के लिए रेस्पुटिन से मदद लेने की सलाह दी। इसके बाद अलेक्जेंड्रा ने तुरंत रेस्पुटिन को अपने महल में बुला लिया। रेस्पुटिन ने जब महल में आकर एलेक्सी को देखा तो वह अलेक्जेंड्रा से बोला कि तुम्हारा बेटा अब मरेगा नहीं, क्योंकि ईश्वर ने तुम्हारे आंसू देख लिए हैं और तुम्हारी प्रार्थना सुन ली है। अब कोई भी डॉक्टर इस बच्चे के करीब नजर नहीं आएगा। इसके बाद अलेक्जेंड्रा ने सभी डॉक्टरों को वापस भेज दिया। रेस्पुटिन ने एलेक्सी का इलाज शुरू कर दिया और कुछ ही समय में वो बच्चा जो हर समय बिस्तर पर बीमार पड़ा रहता था एकदम ठीक होकर खेलने कूदने लगा। ये चमत्कार देखकर निकोलस और अलेक्जेंड्रा रेस्पुटिन के पैरों में गिर गए। इसके बाद निकोलस और अलेक्जेंड्रा हर समय केवल वही फैसला करते जो रेस्पुटिन उनसे कहता। इतिहासकारों के लिए ये बात आज भी एक रहस्य बनी हुई है कि आखिर रेस्पुटिन ने एलेक्सी की इस बीमारी का इलाज कैसे किया। रेस्पुटिन का प्रभाव महाराजा निकोलस से ज्यादा उसकी बीवी अलेक्जेंड्रा पर था। रेस्पुटिन और अलेक्जेंड्रा अक्सर देर रात तक शराब पीते और फिर एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाते। इस दौर में रेस्पुटिन ने कई महिलाओं की इज्जत लूटी। वहीं अलेक्जेंड्रा रेस्पुटिन के ख्यालों में इस कदर खोई हुई थी कि जो भी औरत अलेक्जेंड्रा के पास रेस्पुटिन की शिकायत करने जाती वह उसकी बेइज्जती करती और मामला वहीं पर रफा दफा कर देती। अब रेस्पुटिन ने लोगों के बीच काली विद्या का प्रचार करना शुरू कर दिया। शाही परिवार की महिलाओं का एक गिरोह हर वक्त उसके आगे पीछे होता। वो अपने मानने वालों से कहता कि तुम लोग ज्यादा से ज्यादा पाप करो ताकि तुम ईश्वर के और नजदीक पहुंचो। इन सभी चीजों के साथ रेस्पुटिन के दुश्मनों में भी बढ़ोतरी होने लगी। एक तरफ शाही परिवार से संबंध रखने वाले वो मर्द थे जिनकी महिलाएं अक्सर रेस्पुटिन के साथ शारीरिक संबंध बनाया करती थी, और दूसरी तरफ चर्च के पादरी थे जिन्हें रेस्पुटिन की बढ़ती हुई ताकत से काफी जलन थी। और आम जनता भी रेस्पुटिन से तंग आ चुकी थी, क्योंकि निकोलस और अलेक्जेंड्रा एक तरह से रेस्पुटिन के गुलाम बन चुके थे और वही फैसला लेते जो रेस्पुटिन उनसे कहता था। लेकिन रेस्पुटिन पर लोगों की नफरत और गुस्से का कोई असर नहीं होता था। उसे बस शराब और औरतों से मतलब था जो उसे आसानी से मिल जाती थी। एक बार जुलाई 1914 में रेस्पुटिन पर 33 साल की एक महिला ने चाकू से जानलेवा हमला किया। उस महिला ने एक खंजर रेस्पुटिन के पेट में खोंप दिया, लेकिन रेस्पुटिन इस जानलेवा हमले से बच निकला। उस महिला ने यह हमला एक पादरी के कहने पर किया था। इस हादसे के बाद रेस्पुटिन केवल 2 साल तक ही जिंदा रह सका। उसके शाही परिवार की महिलाओं के साथ शारीरिक संबंध बनाना और बादशाह निकोलस और उसकी पत्नी अलेक्जेंड्रा के जरिए गलत फैसले करवाना, इन सब से तंग आकर फेलिक्स यूसुकोव नाम के एक नौजवान ने अपने कुछ साथियों के साथ रेस्पुटिन को मारने की साजिश रची। फेलिक्स यूसुकोव ने 30 दिसंबर 1916 की रात रेस्पुटिन को अपने घर बुलाया। कहा यह जाता है कि फेलिक्स ने रेस्पुटिन को झूठ बोला था कि उसकी बीवी
उसके साथ एक रात बिताना चाहती है। अब रेस्पुटिन ऐसी फरमाइश को कहां ठुकराने वाला था। वो रात के वक्त फेलिक्स के घर पहुंच गया। फेलिक्स ने रेस्पुटिन को मारने की पहले से ही तैयारी कर रखी थी। उसने रेस्पुटिन को चाय और केक खाने को दिया, जिसमें भारी भरकम मात्रा में जहर मिलाया गया था। लेकिन रेस्पुटिन चाय और केक बड़ी आराम से खा गया, मानो उस पर जहर का रत्ती भर भी असर नहीं हुआ। फिर रेस्पुटिन ने फेलिक्स से शराब लाने की मांग की। फेलिक्स ने शराब में भी खूब जहर मिलाया हुआ था। इस जहरीली शराब के 3 ग्लास रेस्पुटिन बड़ी आराम से पी गया, मगर फिर भी उस पर जहर का कोई असर नहीं हुआ। आखिरकार फेलिक्स ने तंग आकर अपनी पिस्तौल निकाली और 3 गोलियां रेस्पुटिन के सीने में उतार दी और रेस्पुटिन वहीं पर गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। इसके बाद फेलिक्स ने अपने साथियों के साथ रेस्पुटिन की लाश को पेट्रोस्की ब्रिज पर लाकर नीचे दरिया में फेंक दिया। रेस्पुटिन की मौत की खबर आग की तरह पूरे रूस में फैल गई। रेस्पुटिन की लाश को 2 दिन बाद शाही महल के करीब एक चर्च के पास दफना दिया गया। उसकी मौत के कुछ अरसे बाद ही रूस में एक बड़ा इनकलाब आया, जिसके बाद निकोलस और उसकी पत्नी अलेक्जेंड्रा की ताजपोशी छीन ली गई और फौजियों ने रेस्पुटिन की कब्र को खोदकर आग लगा दी। और इस तरह दोस्तों, ये दरिंदा एक जलील तरीन मौत मरा। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या वाकई में रेस्पुटिन की मर्दानगी ने उसे महिलाओं के बीच मशहूर कर दिया था? क्या पाप करके कोई इंसान भगवान के करीब पहुंच सकता है? क्या जार निकोलस के बेटे एलेक्सी के ठीक होने के पीछे वाकई में रेस्पुटिन की शैतानी शक्तियों का हाथ था? आपकी इसके बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हम जल्द आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।